नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुशील कुमार, गणित प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर, जिला कैथल, आप सभी का एजुसेट हरियाणा के इस वर्चुअल क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसकी प्रश्नावली 3.4 के बारे में बात करेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है विलोपन विधि, यानी कि हम विलोपन विधि की सहायता से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जो हल है वो ग्राफीय विधि से ज्ञात किए, जिसको हम ज्यामितीय विधि भी कह देते हैं। इसके साथ साथ हमने प्रतिस्थापन विधि के द्वारा भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात किए हैं। तो प्यारे बच्चों, कई बार जो विलोपन विधि है वो प्रतिस्थापन विधि से ज़्यादा बेहतर, सुविधाजनक रहती है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने के। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम विलोपन विधि की सहायता से रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जो विधि है उसको हम बोलते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि, जिसको हम इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। इस विधि में हम एक चर को विलुप्त करते हैं। इस विधि में दोनों समीकरणों को आपस में इस तरह से हल करते हैं कि हम एक चर को विलुप्त करते हैं और दूसरे चर का मान हम ज्ञात कर लेते हैं, और फिर उस दूसरे चर की सहायता से हम पहले चर का मान ज्ञात करते हैं। तो बेहद जो रोचक ये विधि है रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की। यहाँ पे अगर हम इसको समझें, मानक समीकरण अगर हम ले तो a1x + b1y + c1 = 0। दो चर में रैखिक समीकरण हमने एक तो ले लिया, और इसी तरह से हम एक और समीकरण लेते हैं a2x + b2y + c2 = 0। तो ये हमने दूसरा समीकरण ले लिया। अब हम इन दोनों समीकरणों को इस तरह से हल करेंगे कि या तो हम जो x चर है उसको विलुप्त कर दें, या फिर जो y चर है उसको हम विलुप्त कर दें। तो हमारे पास जब हम इसको विलुप्त कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो हमारे पास जिस भी चर को हम विलुप्त करेंगे उससे दूसरे चर का मान हम ज्ञात कर लेंगे, और फिर उस दूसरे चर की सहायता से हम जो हमने चर विलुप्त किया है उसका भी मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो बेहद रोचक विधि है। आइए एक उदाहरण की सहायता से इसको समझते हैं। यहाँ पे मान लो हमारे पास दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, या फिर ये कहिए कि हम रैखिक समीकरण युग्म हमारे पास है। तो हम एक उदाहरण की सहायता से इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास 2x + 3y = 5 और 3x - 5y = -2। तो ये दो समीकरण हमारे पास दिए हुए हैं, समीकरण एक और समीकरण दो हमारे पास दिए हुए हैं, यानी कि रैखिक समीकरण युग्म हमें दिया हुआ है, और हमें इसको क्या करना है, विलोपन विधि की सहायता से हल करना है। जो ये युग्म है, रैखिक समीकरण युग्म है, इसका हल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि जो एचर पद है, यानी कि जिसमें ना तो एक्स है ना वाई है, उसको हम क्या करेंगे, उसको राइट साइड में लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे 5 हमारे पास राइट साइड में लिखा हुआ है, और यहाँ पे 2 हमारे पास, -2 हमारे पास राइट साइड में ही लिखा हुआ है। तो सबसे पहला हम क्या काम क्या करेंगे कि जो एचर पद है उसको हम राइट साइड में लिखेंगे, जैसे कि इस उदाहरण में तो लिखा ही हुआ है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों में या तो आप जो एक्स चर है
इसके गुणांक को समान बनाएंगे, एक जैसा बनाएंगे, या फिर जो वाई चर है इसके गुणांक को आप एक जैसा बनाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, समीकरण एक को और समीकरण दो को किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। यहां पे अब देखो, सपोज करो हम क्या करते हैं, हम x के गुणांक को बराबर बनाते हैं। तो x को गुणांक को बराबर बनाने के लिए यहां पे हम इसको समीकरण एक को तीन से गुणा कर देते हैं। तो यहां पे देखो 6x हो जाएगा और समीकरण दो को दो से गुणा कर देते हैं तो ये भी 6 हो जाएगा। यानी कि पहले वाले समीकरण को हमने इस गुणांक से गुणा कर दिया, दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है उससे गुणा कर दिया। ठीक इसी तरह से दूसरे वाले समीकरण को जो पहले वाले समीकरण में x का गुणांक है उससे गुणा कर दिया। अब जब समीकरण एक को तीन से गुणा करेंगे और समीकरण दो को दो से गुणा करेंगे तो x के जो गुणांक है वो बराबर हो जाएंगे। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि समीकरण एक को तीन से तथा समीकरण दो को दो से गुणा करने पर, तो आप देखेंगे समीकरण एक को तीन से, समीकरण एक को जब हम तीन से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x जमा 9y बराबर है 15, और जब समीकरण दो को जब हम दो से गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 3 × 6x, 5 × 10 तो माइनस के 10y, और 2 × 4 माइनस के 4। तो इसको हम समीकरण तीन मान लेते हैं और इसको हम समीकरण चार मान लेते हैं। अब आप देखेंगे कि x के जो गुणांक यहाँ पे भी 6 हैं और यहाँ पे भी 6 हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम समीकरण तीन में से समीकरण चार को माइनस कर देते हैं। समीकरण तीन में से समीकरण चार को माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो x चर है वो विलुप्त हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण चार के जो जितने भी पद हैं उन सभी के निशान बदल देंगे। तो यहाँ पे देखो 6x प्लस का है तो ये माइनस यहाँ पे लगा दिया हमने, 10y माइनस का है तो यहाँ हमने प्लस लगा दिया, और 4 माइनस का है तो यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया। अब आप देखेंगे 6x प्लस का और 6x माइनस का तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 9y प्लस के हैं और 10y भी प्लस के हैं तो 9y और 10y यानी कि 19y बराबर है। 15 प्लस के हैं और 4 भी प्लस के हैं तो 15 और 4 19, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया, 19 आ गया। अब y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर है 19/19 तो 19 × 19 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब y का मान 1 आ गया तो हम क्या कहेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम क्या करते हैं y का मान समीकरण एक में रखना है आपको, एक में, दो में, तीन में, चार में, जिसमें मर्जी आप रख ले आंसर आपका सेम आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण एक में रख लेते हैं। समीकरण एक है हमारे पास 2x + 3y बराबर है 5, तो यहां पे 2x + 3 गुना में y का मान है हमारे पास 1 बराबर है 5, 2x + 3 बराबर है 5, तो 2x बराबर है 5 − 3 तो 2x बराबर है 2 और x का मान आ जाएगा 2/2 यानी कि कैंसिल करेंगे तो x का मान आ गया 1। तो हमारे पास जो रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ था उसका हल हमें प्राप्त हो गया, x बराबर है 1 और y बराबर है 1, तो ये हमें इसका हल मिल गया। कैसा हल मिला, ये हमें अद्वितीय हल हमें मिल गया, एक हल हम जिसको बोलते हैं। आप जांच करना चाहे तो इसकी जांच कर सकते हैं, हमने जो हल ज्ञात किया है उसकी जांच आप करना चाहे तो समीकरण एक और समीकरण दो में किसी में भी रख के देख लें। जैसे अगर समीकरण एक की बात करें, 2x + 3y बराबर है 5, इसमें x की जगह पे 1 और y की जगह पे 1 रख दें,
दो गुना में एक जमा तीन गुना में एक बराबर है पांच, दो एकम दो और तीन एकम तीन बराबर है पांच, तो पांच बराबर है पांच सत्य है। यानी कि हमने जो हल निकाला है वो बिल्कुल सही है, उसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक इसी तरह से आप समीकरण दो में रखना चाहें तो समीकरण दो में रख के भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे तो तीन गुना में एक माइनस पांच गुना में एक बराबर है माइनस दो, तीन एकम तीन और पांच एकम पांच ये माइनस है बराबर है माइनस दो, तीन माइनस पांच माइनस दो बराबर है माइनस दो। तो यहां से भी जो हमें समीकरण है जो हल है ये इस समीकरण को भी संतुष्ट करता है। तो यहां से भी हमें पता चल गया कि जो हमारा हल है वो बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप जो रैखिक समीकरण युग्म है उसको विलोपन विधि की सहायता से हल कर सकते हैं। तो एक और एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे अगर हम एक दूसरा उदाहरण ले जिसमें हमें हमारे पास जो दो रैखिक समीकरण है वो है 2x जमा वाई माइनस पांच बराबर है जीरो और दूसरा है 4x जमा 2y माइनस सात बराबर है जीरो। तो ये हमारे पास दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, हमें विलोपन विधि से जो इसका हल है वो ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि हम इन दोनों को इस तरह से लिखें कि जो एचर पद है उसको राइट साइड में लिख लेते हैं। तो इसके हल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम यही समीकरण लिख लेते हैं कि 2x जमा वाई माइनस पांच बराबर है जीरो समीकरण एक और 4x जमा 2y माइनस सात बराबर है जीरो ये समीकरण दो है हमारे पास। अब आप देखेंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो एचर पद है उसको हम राइट साइड में लिख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जो एचर पद है उसको राइट साइड में ले आए, यहां पे हमारे पास हो जाएगा ये 2x जमा वाई बराबर है पांच, इसको हम समीकरण तीन मान लेते हैं और 4x जमा 2y बराबर है सात, इसको हम समीकरण चार मान लेते हैं। अब हम इन समीकरणों को हल करेंगे, इसमें x चर को विलुप्त करेंगे या फिर y चर को विलुप्त करेंगे। अब आप देखेंगे कि पिछला हमारा उदाहरण था, हमने जो पहले वाला समीकरण है उसको इस गुणांक से गुणा किया था और दूसरे वाला जो समीकरण है उसको इस गुणांक से गुणा किया था। ये हमने किस लिए किया था कि जो x चर है उसके जो गुणांक है वो बराबर हो जाए, x चर के जो गुणांक है वो बराबर हो जाए। अब समीकरण तीन में x चर का गुणांक दो है और समीकरण चार में x चर का जो गुणांक है वो चार है। तो आप यहां ध्यान से देखें कि अगर हम समीकरण तीन को दो से गुणा कर दें तो ये 2x से कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा और यहां पे 4x है ही है, तो इसी से हमारा काम चल जाएगा। यानी कि दोनों समीकरणों को हमें दो अलग अलग संख्याओं से गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पे। तो आप क्या करेंगे यहां पे हम सीधा ही लिख देंगे कि समीकरण तीन को दो से गुणा करने पर, तो समीकरण तीन को दो से गुणा कर दिया तो जब समीकरण तीन को दो से गुणा किया तो ये हो गया 4x जमा 2y बराबर है, ये हमारे पास आ जाएगा 10, 4x जमा 2y बराबर है 10। तो इसको हम समीकरण पांच मान लेते हैं और इसके नीचे ये लिख देते हैं क्योंकि इसको किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 4x पहले ही है हमारे पास, तो 4x जमा 2y बराबर है 7। तो ये हमारा समीकरण चार ही है। अब आप देखेंगे कि यहां पे ये गुणांक हमारे बराबर है तो हम क्या करते हैं इसको इनके निशान बदल लेते हैं, तो ये माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, इसके साथ ये कैंसिल हो गया 4x प्लस का 4x माइनस का, 2y प्लस का 2y माइनस का ये भी कैंसिल हो गया और 10 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास यहां पे 3 आ गया,
यहां से तो दोनों कैंसिल हो गए, तो ये जीरो हो गया, तो जीरो बराबर है तीन, तो ये तो संभव नहीं है, तो ये तो असत्य है। जीरो और तीन तो आपस में बराबर नहीं हो सकते, तो इसका मतलब यहां पे असत्य हो गया, तो इसका मतलब इसका कोई हल नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। तो यहां पे आपको लिखना है कि रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो ये हमारे पास एक दूसरा केस हो सकता है जिसमें कोई हल की स्थिति नहीं है। एक और उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक अन्य उदाहरण लेते हैं, इसमें हम देखते हैं कि हम समीकरण ले लेते हैं 3x माइनस वाई बराबर है 5, समीकरण एक, और 6x माइनस 2y बराबर है 10, ये समीकरण दो है। हमें इसको हल करना है विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। तो जब हम समीकरण लिखते हैं तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर है 5, क्योंकि ये एचर पद है जो वो राइट साइड में लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा जो समीकरण है 6x माइनस 2y बराबर है 10, तो यहां पे भी जो एचर पद है वो राइट साइड में लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, जो गुणांक है वो बराबर बनाने हैं, चाहे हम x के गुणांक बराबर बना लें या फिर हम y के गुणांक को बराबर बना लें। तो यहां पे हमारे पास यहां पे 3x है, यहां पे 6x है, तो हम इसको किससे गुना कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो इसको किसी संख्या से गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो हम लिख देते हैं कि समीकरण एक को 3 से गुना करने पर, समीकरण एक को 3 से गुना करने पर, तो जब हम समीकरण एक को 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6x माइनस वाई, 6x माइनस समीकरण एक को 2 से गुना करने पर, समीकरण एक को 2 से गुना करने पर, तो 2 से जब उसको गुना करेंगे तो ये 3 दूनी 6x हो जाएगा, और ये माइनस के 2y, और ये 5 दूनी 10, तो इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। और समीकरण 2 को हम किसी संख्या से गुना नहीं कर रहे हैं, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं 6x माइनस 2y बराबर है 10, तो ये समीकरण 2 हमने ऐसे ही लिख दिया। अब हम नीचे वाले समीकरण के साइन चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये एक जैसे हैं, तो यहाँ पे ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब ये देखो 6x प्लस का 6x माइनस का, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 2y और ये प्लस के 2y, ये भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 10 और माइनस के 10 ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 0 और ये भी 0, तो 0 तो 0 के बराबर, ये तो ये जो कंडीशन हमें मिली है कि हमेशा ये तो सत्य है, ये कंडीशन तो हमेशा सत्य है, यहाँ पे देखो असत्य थी हमेशा, तो यहाँ पे ये कंडीशन तो हमेशा सत्य है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x और y के बहुत सारे मान हो सकते हैं, क्योंकि ये तो कंडीशन x और y का कोई भी मान ले ले, ये जो कंडीशन है वो हमेशा सत्य होगी, तो हम लिखेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, क्योंकि ये तो x और y का कुछ भी मान रख लो, तो यहां पे ये तो हमें सत्य ही मिलेगा, तो 0 तो 0 के बराबर ही होता है, तो जैसे जैसे हम x का मान बदलते रहेंगे तो y का मान भी उसके हिसाब से बदलता रहेगा, और हमें दूसरे दूसरे अनेक हल हमें प्राप्त हो जाएंगे, तो इस वजह से इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा, हमने पिछली प्रश्नावलियों में भी सीखा कि किस तरह से हम रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं, तो उसमें हमारे पास तीन परिस्थितियां मिलती हैं, या तो अद्वितीय हल हमें मिलता है, या कोई हल हमें नहीं मिलता, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने विलोपन विधि से उन तीनों ही स्थिति के बारे में बात की और उसको एक एक एग्जाम्पल की सहायता से समझा।
अब आइए कुछ और समस्या लेते हैं और उसको विलोपन विधि से हल करने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने एक समस्या ली है, आइए इसको विलोपन विधि से हल करने का प्रयास करते हैं। जो समस्या है हमारे पास, इसमें है निम्न समस्या में रैखिक समीकरणों का युग्म बनाएं। तो ये जो समस्या दी हुई है, इसका रैखिक समीकरण युग्म बनाना है पहले तो हमें, तथा इनके हल, और जो हल है या फिर जो इनका हल है उसको विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, और इसका जो हल है वो हमें विलोपन विधि से ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो समस्या है वो ये है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि दो अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो ये जो संख्या है इसका 9 गुना और इसके जो अंक पलट दें उस संख्या का 2 गुना आपस में बराबर है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, वो संख्या ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों, इसका हल देखते हैं। तो यहां पे इस एक संख्या की बात हो रही है, तो यहां पे हम मान लेते हैं कि माना संख्या में इकाई का अंक हम मान लेते हैं। तो इकाई का हम अंक हमने मान लिया x, ठीक इसी प्रकार से तथा संख्या में दहाई का अंक हम मान लेते हैं y। तो दहाई का अंक हमने मान लिया y। तो इस प्रकार जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, संख्या बराबर है 10y जमा x। अब पहले तो इसको समझते हैं, इस चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखो, हमारे पास कोई संख्या है 36, तो इसमें जो इकाई का अंक है वो 6 है, इकाई का अंक 6 है, और जो दहाई का अंक इकाई का अंक हमारे पास 6 के बराबर है और दहाई का अंक हमारे पास 3 के बराबर है। तो आप देखेंगे 36 कैसे बनाए, इकाई का अंक तो ऐसे ही लिखा है, इकाई का अंक 6 प्लस जो दहाई का अंक है उसको 10 से गुना करके लिखा है। तो दहाई को अंक को 10 से गुना कर दे तो देखो 10 दिया 30 और 6 तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 36 पूरे हो जाएंगे। यानी कि दहाई को अंक को हमने 10 से गुना करना होता है प्लस उसमें इकाई का अंक करना होता है। तो दहाई का अंक हमारे पास y है तो y को 10 से गुना कर दिया और प्लस उसमें इकाई का अंक कर दिया, तो हमें इस प्रकार से क्या मिल गया, संख्या मिल गई। तो अब आप देखें, ये जो संख्या है इसकी खास बात क्या है, इसके अंकों का योग, इसमें अंक कौन कौन से हैं, इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। ये जो संख्या है इसमें इसके अंकों का योग 9 है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार हमारे पास क्या है कि संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि x जमा y बराबर है 9। एक समीकरण हमें मिल गया। यहां तक की जो समस्या है उसको हमने गणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। अब आगे का करते हैं, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो अब संख्या के अंकों को पलटना है, तो मान लो पहले संख्या 36 है तो इसके अंकों को पलट दें तो ये कितनी हो जाएगी, 63 हो जाएगी, यानी कि इकाई का अंक दहाई के अंक की जगह चला जाएगा और दहाई का अंक इकाई के अंक की जगह पे आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लिखेंगे कि अंक पलटने पर प्राप्त संख्या, जब हम अंक पलट देंगे तो संख्या क्या बन जाएगी, पहले संख्या ये थी,
जब अंक पलटेंगे तो x की जगह पे y आ जाएगा और y की जगह पे x आ जाएगा, तो ये हो जाएगी 10x जमा y। तो अंक पलटने पर ये हमें संख्या प्राप्त होती है। अब यहां पे दूसरी जो कंडीशन दे रखी है तो हम लिखेंगे दोबारा प्रश्नानुसार, एक बार फिर प्रश्नानुसार, जो प्रश्न के अनुसार स्थिति है उसको हम यूज करेंगे। अब की बार क्या कहा है कि इस संख्या का 9 गुना, संख्या हमारे पास पहले क्या थी, ये थी क्या 10y जमा x, इसका 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, संख्या को के अंकों को पलटने से बनी संख्या हमारे पास क्या है 10x जमा y, इसका 2 गुना है, यानी कि 2 से गुना कर देंगे। तो ये आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। जो संख्या है उसका 9 गुना और अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, ये सेम है, एक ही बात है, बराबर है, तो ये हमने रख दिया। अब आप देखेंगे इसको 9 से गुना करेंगे तो ये 90y जमा 9x, यहां पे 2 की 10 के साथ तो ये 20x जमा 2y। अब यहां पे देखो एक साइड में इकट्ठा कर लेते हैं, पहले हम x लिखते हैं तो x यहां पे x कम है, यहां पे x ज्यादा है, तो पहले ये लिख लेते हैं और इसके पीछे ये लिख लेते हैं कि इनको इधर ले आते हैं, यानी कि यहां तो 0 ही रहने देते हैं, यहां पे ये 20x जमा 2y माइनस के 90y और माइनस के 9x, तो यहां पे 0 बराबर है, कितने रह जाएंगे 20x माइनस 9x, तो ये 11x और प्लस के 2y और माइनस के 90y, तो माइनस के 88y, तो 0 बराबर इसके, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 11x माइनस 88y बराबर है 0। अब देखो ये किससे भाग हो रहा है, 11 से भाग हो रहा है, तो हम इसको 11 से भाग कर देंगे, 11 से भाग करने पर, तो इसको हम 11 से भाग कर देते हैं, तो हमें जो समीकरण है वो प्राप्त हो जाएगा, 11 से भाग करेंगे तो x माइनस 8y बराबर है 0, तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 1 और 2 को, दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। समीकरण 1 है हमारा x जमा y बराबर है 9, ये समीकरण 1 है, और समीकरण 2 है हमारा x माइनस 8y बराबर है 0, ये समीकरण 2 है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको विलोपन विधि में क्या करना होता है, जो गुणांक है वो बराबर बनाने होते हैं, चाहे आप x के बना लें या y के बना लें। अब देखो यहां पे x के गुणांक पहले ही बराबर बने हुए हैं, तो सिर्फ हम क्या करेंगे, इनके साइन चेंज कर लेते हैं दूसरे वाले समीकरण के, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, x प्लस का x माइनस का कैंसिल, y प्लस का और 8y भी प्लस का, तो ये 9y हो गए। यहां पे 9 प्लस का है और ये 0 है, तो ये 9 ही बचेगा हमारे पास, तो y का मान आ जाएगा 9 बटे में 9, कैंसिल करेंगे तो 1 आ गया, तो y का मान हमारे पास 1 आ गया। अब हम क्या करते हैं, y का मान इन दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण में रख दें, तो हम यहां कर लेते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर है 9, x प्लस 1 बराबर है 9, x बराबर है 9 माइनस 1, x बराबर है 8, तो हमारे पास x का मान आ गया 8 और y का मान आ गया 1। हमें क्या करना था, संख्या ज्ञात करनी थी, हमें क्या करना था, संख्या ज्ञात करनी थी। अब देखो संख्या हमारे पास क्या है, अतः संख्या हमारे पास है 10y जमा x, तो 10 गुना में y का मान रखा 1 जमा x का मान है हमारे पास 8, तो 10 एकम 10 जमा 8 यानी के 18, तो संख्या बराबर है 18, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आप सीधा भी कर सकते थे क्योंकि इकाई का अंक हमारे पास कितना है, इकाई का अंक x है, तो x का मान 8 आया, इकाई का अंक, तिहाई का
अंक हमारा वाई है, वाई का मान एक आया है तो एक, तो सीधा ही 18 बन रहा है, तो सीधा भी आप 18 लग सकते हैं, और या इसमें पुट करना चाहें तो इसमें भी पुट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब एक बार इसकी जांच कर लेते हैं, जो ये हमने आंसर निकाला है कि इसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। जो दोनों कंडीशन है उसको देख लें आप एक बार, दोनों कंडीशन है। हमारा जो हमारी जो संख्या आई है वो है 18। अब संख्या के अंकों का जो योग है वो 9 है, तो 1 जमा 8 9, यानी कि पहली कंडीशन सही है। दूसरा, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, 18 है, इस संख्या का 9 गुना, तो इसको 9 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। इसके अंक पलटने से जो संख्या बनेगी वो क्या होगी, 81, उसका 2 गुना, ये दोनों बराबर है, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो 2, और ये तो बिल्कुल सही है, ये भी बात सही है। यानी कि हमने क्या किया, अपना जो आंसर जो हमने निकाला है उसकी हमने जांच कर लिया, और वो पाया कि दोनों ही परिस्थितियां ठीक है, मैच हो रही है। इसका मतलब अब हमारा जो सोल्यूशन हमने फाइंड किया है, जो हल हमने ज्ञात किया है, उसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपको जो भी समस्या दी हुई है, आपके पास जो भी समस्या है उसको आप गणितीय रूप में लिखेंगे, और जिस भी विधि से आपको सोल्व करने के लिए, हल करने के लिए कहा गया है, उस विधि से आप उस जो समस्या है, उस जो प्रश्न है, उसको आप हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि किस तरह से हम विलोपन विधि की सहायता से रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करते हैं। इस विधि में हमने देखा कि हम एक चर को विलुप्त करते हैं, हम एक्स चर को भी विलुप्त कर सकते हैं, हम वाई चर को भी विलुप्त कर सकते हैं। जिस चर को हम विलुप्त करेंगे उससे दूसरे चर का मान हम ज्ञात कर लेंगे, और फिर उसके मान की सहायता से पहले वाला चर जिसको हमने विलुप्त किया था, वो समीकरण 1 और 2 में से किसी भी समीकरण में रख के पहले वाले चर का मान भी ज्ञात कर लेंगे। अब किसी भी चर को विलुप्त करने के लिए उसके जो गुणांक है वो बराबर बनाने हैं हमें। अब आपको ये देखना है कि समीकरण 1 को और समीकरण 2 को कौन सी संख्या से गुना करने पर ये जो मान है, जो एक्स और वाई के जो गुणांक हैं, एक्स के गुणांक अगर आप एक्स को विलुप्त करना चाहते हैं, या वाई के गुणांक अगर आप वाई को विलुप्त करना चाहते हैं, कि वो किस तरह से बराबर बनेंगे। और आपने देखा कि जैसे हमने रैखिक समीकरण युग्म के हल की बात की थी कि 3 तरह से हमारे हल हो सकते हैं, और 3 तरह से हमने जो हल है उनका एक एक उदाहरण लिया, और उसके साथ साथ एक समस्या जो हमने उसको पहले गणितीय रूप में व्यक्त किया और फिर उसका विलोपन विधि से हल ज्ञात किया। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे गणित विषय में उतनी ही ज़्यादा आपकी जो रुचि है वो बढ़ेगी, और उतने ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।